सभी श्रोतागणों को राम राम। आदरणीय श्रोतागण, आज हम बात करेंगे 496 AIPC के तहत लगे झूठे आरोपों के से कैसे बचा जाए। आजकल दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पत्नियां अपने पतियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही हैं दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं है, कुछ जेन्युइन केस को छोड़कर हम बात करते हैं जो गलत तथ्यों के आधार पर जो केस दर्ज करवाए जाते हैं उसमें आप कैसे बच सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जब भी आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा 498A का तहत IPC के तहत दर्ज करवाया है, तो सबसे पहले आपको या आपके परिवारजनों के बीच या और आपकी पत्नी के बीच जो आपके बीच जो बातचीत हुई है उसका रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके खिलाफ सबूत और दस्तावेज इकट्ठे करने चाहिए। आपको उनकी बातचीत जो व्हाट्सएप चैट या जो भी मैसेज, ईमेल या कोई भी वीडियो या कोई पत्राचार हुआ है, सभी को इकट्ठा करना चाहिए, जिससे ये साबित हो सके कि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने झूठा केस दर्ज करवाया है और आपकी पत्नी ससुराल से अपने आप ससुराल से अपनी मर्जी से गई है। उसके ऊपर किसी ने कोई दहेज की डिमांड नहीं की, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया। और अगर सबसे पहले आपके ऊपर अगर FIR दर्ज होने से पहले पुलिस आपको 41A CRPC के तहत नोटिस भेजती है आपको शामिल अनुसंधान करने के लिए, जांच में शामिल होने के लिए, अगर आपको लगता है आपका मुकदमा आपके ऊपर झूठा बनाया गया है या आरोप झूठे लगाए गए हैं, तो आप अपने सभी दस्तावेजों के साथ अनुसंधानकर्ता के पास पेश हो सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। और अपनी बात को अगर आपको लगता है कि अनुसंधान सही से नहीं हो रहा, तो आप अपने निकटतम उच्चतम अधिकारी जैसे कि पुलिस अधीक्षक को, जिला पुलिस अधीक्षक को आप अपनी सारी बातें सारे सबूतों सहित भेज सकते हैं, जिससे वो आपके अनुसंधानकर्ता के पास भेजेगा और अनुसंधानकर्ता के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर होगा कि अब निष्पक्ष जांच करनी होगी, क्योंकि मामला उच्च अधिकारियों की नॉलेज में है। अगर फिर भी आपके ऊपर कोई ऐसा झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो आपको जमानत करवाने की बजाय आपको हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत क्वेशिंग में जाना चाहिए और FIR को कैंसिल करवाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई साजिश कर रही है, तो आप उसके खिलाफ 120B के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी शिकायत दे सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे दस्तावेज, गलत तरीके से पत्नी द्वारा सबूतों को गलत आधार पर पेश करके ऐसी कार्रवाई की गई है, तो आप 191 IPC के तहत उसके खिलाफ काउंटर फाइल कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचाने की ऐसी कोई धमकी देती है, तो आप आपकी पत्नी के खिलाफ मानहानि का केस भी कर सकते हैं। और अगर आपको वो डराती है, धमकाती है, तो आप उस पत्नी के खिलाफ 506 IPC के तहत कंप्लेंट दे सकते हैं। और आपको लगता है कि वो झूठा सीन क्रिएट करती है और शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार किया गया ऐसा सीन क्रिएट करती है झूठा, तो आप अपनी पत्नी के खिलाफ CPC की धारा 9 के तहत नुकसानी की भरपाई, डैमेज रिकवरी की का भी केस फाइल कर सकते हैं। इसलिए जो आप हमने आपको बताई गई उपरोक्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, काम हो आए आपके, और आप आगे भविष्य में कैसी वीडियो चाहते हैं, किस लो पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।